Hello dear student, welcome to our channel. Let's continue with the topic. Table showing cell organelles, their functions and marker. Okay dear student, तो सबसे पहले मैं आपको सेल ऑर्गेनेल का बताऊंगा. सेल ऑर्गेनेल से पहले मैं सेल के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा. सो व्हाट इज मीन बाय सेल? सेल एज अ बेसिक यूनिट. ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि आपको पता है जितने भी ऑर्गेनिज्म बने हैं वो इट इज मेड अप ऑफ टिश्यू. यस, एंड जो टिश्यू है वो किससे मिलकर बना हुआ? इट इज मेड अप ऑफ सेल. सो देयरफॉर सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ बायोलॉजी. यस, और एक बात याद रखना सेल का कि जो भी सेल है उसमें जो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, जो ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, वो मोस्टली अप्रोक्सीमेटली सब में सेम ही होता है. एंड उसमें जो जैसे कि अगर ये सेल है ओके अगर ये सेल है, सेल के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है. एंड उसके पेरीफेरी में साइटोप्लाज्म होता है. ओके, सो साइटोप्लाज्म उसके पेरीफेरी में होता है और सेंटर में न्यूक्लियस होता है. सो ऐसे करके उस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं. एंड एक और चीज याद रखना, सेल डिविजन एक इसेंशियल प्रोसेस है फॉर द रिप्रोडक्शन. और बिकॉज ऑफ सेल ओनली पूरे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड होता है. इसके लिए सेल क्या है? एक बेसिक यूनिट है. ओके, ये तो सेल के बारे में बताया. अब मैं बताऊंगा आपको ऑर्गेनेल के बारे में. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द ऑर्गेनेल. यस, ऑर्गेनेल्स. तो ऑर्गेनेल्स क्या है? ये किसमें प्रेजेंट होते हैं डियर स्टूडेंट? मैंने पहले ही बता दिया, ये सेल में प्रेजेंट होते हैं. ओके, एंड जो सेल में जो प्रेजेंट होते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लाइसोसोम होते हैं, बहुत सारे होते हैं. तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अभी. एंड इसमें एक और चीज बता दूं कि जो सेल होता है, सेल में एक ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, उसका नाम है मार्कर. यस डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे मार्कर के बारे में हम लोग को दिया है. तो मार्कर के बारे में कुछ बेसिक बातें बता दूं. ये जो मार्कर होता है, ये एक यूजली स्पेसिफिक एंजाइम होता है जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, किसमें? सेल में. ओके, एंड इस मार्कर का काम क्या होता है? आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेल. पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेल को आइडेंटिफिकेशन और आइसोलेशन का काम किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ दिस सेल ऑर्गेनेल. ओके, सो फर्स्ट विल कंटिन्यू विद द ऑर्गेनेल. ओके, फर्स्ट यहाँ पे जीरो लिखा है, इंस्टेड ऑफ दैट इट शुड बी वन. ओके, सो न्यूक्लियस. ओके डियर स्टूडेंट, न्यूक्लियस कहाँ पर प्रेजेंट होता है? इट प्रेजेंट द सेंटर ऑफ द सेल. ओके, एंड द फंक्शन ऑफ व्हाट? इट कंटेन क्रोमोसोम्स. ओके, व्हाट इज मीन बाय क्रोमोसोम्स? क्रोमो मीन्स कलर, जोमा मीन्स बॉडी, मीन्स इट्स कलर बॉडी. ओके, एंड जो क्रोमोसोम्स है, इट शुड बी लाइक दिस, ये ऐसा करके दिखता है. एंड ये जो क्रोमोसोम होता है, इसमें ऐसे 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 करके बहुत सारे होते हैं, ये थ्रेड जैसा होता है. एंड इट कंसिस्ट ऑफ डीएनए. यस, इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? डीएनए. सो देयरफॉर द मार्कर इज डीएनए. ओके, नाउ नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रियन. ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया इज व्हाट? इट इज अ व्हाट? ये जो होता है, ये सेमी ऑटोनोमस सेल्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनल से. ओके, सेमी ऑटोनोमस क्यों? क्योंकि इसके पास खुद का अपना डीएनए होता है, इसके लिए वो सेमी ऑटोनोमस होता है. ओके, एंड इसमें ये जो होता है, ये किसमें प्रेजेंट होता है? ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है. ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, इसका फंक्शन क्या है? इट हेल्प इन अ सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसको हम लोग क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं. ओके, फॉर दैट इट रिक्वायर. ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है क्रेब्स साइकिल. एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ओके, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है? इसमें जो सेल है वो एंजाइम को यूज करता है, एंड जिसकी वजह से जो भी न्यूट्रिएंट है उसको ऑक्सीडाइज करके एनर्जी फॉर्म करता है. एनर्जी किसके फॉर्म में करता है? फॉर्म करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. तो किसमें होता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ओके, विच इज ऑकरिंग इन द माइटोकॉन्ड्रिया. सो इसमें जो मार्कर प्रेजेंट होता है, दैट इज ग्लूटामिक डिहाइड्रोजिनेज. ओके, तो एंजाइम का याद रखना डियर स्टूडेंट, कभी भी लास्ट में एंजाइम के ए एस ई होता है, उसको हम लोग एंजाइम कंसिडर करते हैं. लेकिन सब ऐसा नहीं है, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिसके पास ए एस ई लास्ट में प्रेजेंट नहीं होते हैं, जैसे ट्रिप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, पेप्सिन हो गया. तो दिस आर द एंजाइम्स जिसके एंड में ए एस ई नहीं होता है.
ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द राइबोसोम. तो राइबोसोम जो है इट इज एक्चुअली व्हाट, इसका जो फंक्शन है फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. यस, किसका इसका फंक्शन क्या है, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस का इसका फंक्शन है. एंड इसमें जो मार्कर प्रेजेंट होता है दैट इज आरएनए. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द थर्ड फोर्थ पॉइंट, सॉरी इट शुड बी फोर्थ एंड इट शुड बी थर्ड, इट शुड बी सेकेंड. ओके, सो फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, सो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आपको बता दूं, ये दो टाइप के होते हैं. ओके, एक होता है रफ दैट इज फॉर आर, एक दूसरा होता है स्मूथ. तो दो होते हैं, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है. उसको रफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ राइबोसोम, इसके लिए उसको बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंड रफ इंडोप्लाज्मिक का मेन पर्पस, मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का. ओके, एंड जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका काम होता है लिपिड सिंथेसिस का. याद रखना कि सिर्फ लिपिड सिंथेसिस के लिए काम करता है, उसके मेटाबॉलिज्म के लिए काम नहीं करता है. व्हाट, विच वन, इट इज स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो इसका मेन पर्पस क्या है, फॉर फंक्शन लिपिड सिंथेसिस का. एंड इसमें जो मार्कर यूज किया जाता है दैट इज ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज. ओके, सो द फोर्थ वन इज लाइजोसोम्स. ओके, लाइजोसोम्स, लाइजो मींस लाइस करना, जोमा मींस बॉडी. तो ये ऐसी बॉडी होते जो क्या करता है, लाइस करता है. तो इट द फंक्शन इज डिग्रेडेटिव एंजाइम्स. ओके, याद रखना डियर स्टूडेंट, इट हैज और इट कंटेन 50 डिफरेंट डिग्रेडेटिव एंजाइम्स इन अवर बॉडी. जो किसको किसको हाइड्रोलाइज करता है, इट कैन हाइड्रोलाइज द डीएनए, प्रोटीन, आरएनए, लिपिड. तो ये सब चीज को क्या करता है, हाइड्रोलाइज करता है. ओके, एंड द मार्कर जो प्रेजेंट होता है इसका नाम है एसिड फॉस्फेटेज. ओके, सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया या समझ में आया रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए. और अगर आपको लेटेस्ट अपडेट के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए.